कुछ लोग जो हमेशा मुझे ये पूछते रहते हैं कि यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन जो है, ये जो दो प्रोडक्शन हाउसेस है ना, ये लोग या फिर अजय देवगन, इन दोनों को एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको एक वैलिड रीज़न बता देता हूँ, बहुत सी चीज़ें आपको पता नहीं होगी। देखो, ये दो प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि पूरा बॉलीवुड ये भी बोल सकते हो, धर्मा प्रोडक्शन इज़ वेरी बिग। करण जोहर को अगर मैं बात करूँ ना, ऑनेस्टली मानो ना मानो, वो आधा बॉलीवुड है, और कितना भी आप उसको हेट करो लेकिन ये सच है। और दूसरा है यशराज फिल्म्स, ये दो जो है ना वो बहुत पुराने प्रोडक्शन हाउसेस है। और यशराज फिल्म्स की तो बात करो तो वो अमिताभ बच्चन के फिल्म शायद सिलसिला वगैरह उस टाइम से, सिलसिला भी उनकी थी या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मतलब बहुत पुराना प्रोडक्शन हाउस है वो। तो करण जौहर हो, मतलब धर्मा प्रोडक्शंस हो, या फिर चोपराज हो, यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा वगैरह तो छोड़ दो, यश चोपड़ा वगैरह जितने भी वो, या YRF है, ये जो दो प्रोडक्शन हाउसेस है, एक टाइम पे हुआ ये था कि मुझे याद है अजय देवगन ने ये भी बोला था एक टाइम पे, बहुत पुरानी बात ही है, हालांकि मैंने रिकॉर्डेड इंटरव्यू देखा है, उन्हें जब पूछा गया था कि धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म्स को लेके आपका क्या ख्याल है, क्या आपको उनके साथ काम नहीं करना है, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था उनके साथ किसको काम नहीं करना है, आई मीन दे आर वेरी बिग नेम्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस, डेफिनेटली अगर मुझे लाइफ में कभी मौका मिले तो मैं करूँगा काम। ये बात तब की है मेरे अकॉर्डिंग जब कंपनी मूवी आई थी, कंपनी मूवी से पहले की बात है या उसके एक साल बाद की बात होगी, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, पर हाँ उस टाइम का ही वो इंटरव्यू था, अभी मुझे नेम वगैरह नहीं पता। तो उन्होंने ये बोला था कि वो हैप्पी थे, वो करना चाहते थे काम, या फिर मैं करूँगा अगर लाइफ में कभी मौका मिले। हुआ ये है कि ये जो लोग बोलते हैं ना, ये कॉफ़ी विद करण में धर्मा प्रोडक्शंस को लेके, ये करण जोर बोलता है जब अजय देवगन कॉफ़ी विद करण में कभी अगर बाय चांस जाता है, या फिर कहीं पे एक दूसरे के साथ वो मिलते हैं, तो करण जोर उसको टॉन्ट मारता है, इवन यशराज फिल्म्स भी, कि ये हमको रिजेक्ट करता है, हमने तो इसको मौके दिए थे। रियलिटी ये है कि मौके कौन से दिए थे ये लोग ये नहीं बताते। अजय देवगन को रियल मतलब एज अ मेन लीड एक्टर काम करना था, ये लोग उसको साइड रोल देना चाहते थे, या फिर अगर साइड रोल नहीं भी दे तो ख़राब स्क्रिप्ट के साथ मेन रोल देना चाहते थे जो उनको नहीं करना, सिंपल बात यही है। तो जब ये बोलते ना कि आप ही हमको रिजेक्ट करते हो, तो अजय देवगन कुछ नहीं बोलता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कुछ है नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उसने सच में रिजेक्ट किया था। वो ये कभी नहीं बोल रहा है कि मैं पुअर स्क्रिप्ट की वजह से कर रहा हूँ रिजेक्ट, या फिर मुझे साइड रोल नहीं करना है। इन्होंने उसको मौके नहीं दिए थे ऐसा नहीं था, उन्होंने ऑफ़र भी दिए थे लेकिन साइड रोल्स के दिए थे। अभी रिसेंटली जो यशराज फिल्म्स को लेके एक न्यूज़ आई थी कि अजय देवगन ने एक सुपर हीरो फिल्म रिजेक्ट की थी, क्यों की थी? तानाजी मूवी शायद आई थी उससे पहले की या फिर उसके बाद की ये न्यूज़ थी। भाई कोई अगर आदमी तानाजी इतना बेहतरीन हिस्टोरिकल मूवी बनाएगा, उसके बाद अगर आप सुपर हीरो की फिल्म दे रहे हो उसको, वो करेगा क्या एक्सेप्ट? विथ पुअर कंसेप्ट, स्क्रिप्ट भी पुअर थी, वो क्रिश 2 टाइप की सुपर हीरो फिल्म नहीं थी। उनको एक्चुअली नए एक्टर को ही लाना था उस फिल्म में, लेकिन इनको लगा था कि एक तुक्का मार के देखते हैं, अजय देवगन को पूछ के देखते हैं, क्योंकि उनको भी तो हमारे साथ काम करना है। भाई वो एक क्वालिटी एक्टर है, उसको काम करना भी है ना उन लोगों के साथ, तो कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट पे करना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं रहती इनकी, या फिर पुअर स्क्रिप्ट, या फिर ये सुपर हीरो फिल्म में काम कर लो तुम, तो ऐसे फिल्म में क्यों करेंगे भाई वो। हाँ ये बात भी सही है कि कुछ थैंक गॉड जैसी भी फिल्में उन्होंने नहीं करनी चाहिए, पर भाई वो जो सुपर हीरो फिल्म की स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सुना है कि वो बहुत भद्दी थी, और ऐसा एक्सेप्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये क्या है, ये जो दो प्रोडक्शन हाउसेज हैं ना, इनके पास दिमाग है। स्पेशली इन दोनों ने सबसे ज़्यादा किसी को चढ़ाया लाइफ में तो वो था शाहरुख खान, उसके ही साथ इनकी सेटिंग वेटिंग थी, और अजय देवगन और शाहरुख खान के हमेशा से ही कोई अच्छे संबंध रहे नहीं है। इन्होंने काजोल को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है अपने लाइफ में एज अ प्रोडक्शन हाउस, लेकिन अजय देवगन के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि उनको पर्सनल प्रॉब्लम है उससे। और अगर कोई स्क्रिप्ट देते भी है तो ऐसी स्क्रिप्ट देते हैं कि ताकि ये सामने से ना बोले, ताकि मीडिया में ये फैल जाए कि अजय देवगन रिजेक्ट दिस फिल्म, अजय देवगन ने रिजेक्ट की। मीडिया भी इनके साइड से बोलता है कि धर्मा ने तो ऑफ़र की थी, इन्होंने तो ऑफ़र की थी यशराज ने, इसने नहीं बोला। ये जो है ना, ये जानबूझ के ये पॉलिटिकल इनके अगेंस्ट चलता है। तो भाई देखो सिंपल बात है, उसको एक टाइम पे काम करना था जब वो बड़ा नहीं था,
आज एट प्रेजेंट अगर आप कुछ भी स्क्रिप्ट दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। शायद उस टाइम पे जब वो बड़ा नहीं था वो कोई भी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर भी लेता, लेकिन आज उसका एक फेम है, स्टारडम है, फैन फॉलोइंग है। कोई भी बचकानी फिल्म वो नहीं करेंगे। हाँ, उनको हिम्मत वाला जो उन्होंने करी थी ना, उनको समझ में आ गया था भाई ये बचकानी फिल्म है। इसके बाद उन्होंने कभी भी उस टाइप की फिल्म नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी नहीं कर सकता मैं। हाँ, हिम्मत वाला से पहले भी अगर वो वापस पूछ लेते ना, शायद धर्मा प्रोडक्शन या फिर वो यशराज उसको हाँ बोल देती है जल्दबाजी में। अब ऐसा नहीं करते, वो मैच्योर चॉइसेस ही करते हैं फिल्म में। हाँ, एक बात है, अगर धर्मा वाले ढंग की कोई फिल्म बनाते बाय चांस, और या फिर YRF वाले, तो डेफिनेटली हाँ करेंगे, ये मैं गारंटी बोलता हूँ। उनको कभी भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है करण जौहर या फिर YRF से, अभी भी नहीं है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो वो डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने ये इंटरव्यू 1-2 साल पहले, एक जो नया इंटरव्यू था, उन्होंने ये बोला था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई हो बात वो नहीं है, स्क्रिप्ट मुझे अगर पसंद आएगी तो मैं हाँ कर दूंगा। ये बात पे धर्मा ने, YRF ने और संजय लीला बंसल ने ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अजय देवगन एक बिग बजट मूवी में आए, जिसका बजट ज़्यादा हो, और हिस्टोरिकल मूवी में आए। और धर्मा के पास पैसा है, YRF के भी पास पैसा है। इवन मैं तो बोलूँगा, YRF ने पृथ्वीराज जो मूवी थी उसमें भी अजय को तुम ले सकते थे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो डायरेक्टर था पृथ्वीराज का, उसने बाद में बहुत कोसा अक्षय कुमार को, कि हमने बोला था इस आदमी को कि भाई मत कर, नहीं करना है फिल्म तो पूरा हमें मिनिमम 120 दिन या फिर 150 दिन दे। लेकिन इसने अपनी मनमानी से 40 दिन में मूवी शूटिंग कंप्लीट कर दी और आपके सामने रिजल्ट है, ऐसा डायरेक्टर ने ओपनली बोला था। तो ऐसे डायरेक्टर को अकल नहीं है क्या कि भाई अजय को भी है और बाकियों को भी ऑफर? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पृथ्वीराज वेल मेड थी, नहीं थी वेल मेड, इसमें अक्षय की भी पूरी गलती नहीं थी, लेकिन अक्षय ने भी बहुत कोई अच्छे मन से काम नहीं किया था। 40 दिन में आप पृथ्वीराज कैसे ख़त्म कर सकते हैं मेरे भाई? तो यही कहूँगा कि अजय सर ज़्यादा टाइम देते शायद, और शायद बेटर बनती। यशराज फिल्म्स ने, करण जौहर ने यानी कि धर्मा प्रोडक्शन ने और संजय लीला भंसाली ने, अभी भी वक्त है मेरे भाई, अभी भी चांस है। ये आदमी हिस्टोरिकल मूवी बाप लेवल देगा। ये आदमी क्रिमिनल मूवीज़ भी बाप लेवल लेते हैं। क्रिमिनल थ्रिलर होगी ना, क्राइम थ्रिलर, इसीलिए बोल रहा हूँ अजय देवगन को अच्छे से यूज करो, पैसा ही पैसा होगा, गारंटी बोल रहा हूँ भाई। और जो लोग बोलते हैं कि भाई मूवी स्लो स्टार्टर होती है अजय देवगन की, नहीं होगी। अगर धर्मा के साथ, YRF के साथ और अगर संजय लीला बंसली किसी एक के साथ अगर अजय देवगन काम करता है ना, उसके मूवी की पहला दिन विदाउट हॉलीडे भी बोल रहा हूँ मैं, 30 करोड़ के नीचे होगा ही नहीं Day 1 कलेक्शन। तो ज़रूरत तो अजय सर को भी है इन लोगों की, मेरे अकॉर्डिंग अगर ये लोग चाहेंगे तो वो हाँ तो करेंगे, पर स्क्रिप्ट भी तो ढंग की दो ना। आप अगर सुपर हीरो ये वो टाइप की दोगे तो क्यों? अभी सुना है कि वो जो संजय लीला भंसाली की कौन सी वो इंशाल्लाह जो मूवी थी वो बची है अभी भी, वो शायद सलमान ने रिजेक्ट कर दी, तो वापस सलमान के पास ही जाए गए थे संजय लीला भंसाली, या बाद में अजय को भी एक ये मिला है वो मूवी एक्सेप्ट करने का मौका, या फिर उससे बातचीत चल रही है सुना है। तो देखते हैं कि क्या होता है, मज़ा आएगा अगर हो जाता है तो, ये मूवी भी एक्सेप्ट कर लेते तो। थोड़ा सा अकल चाहिए धर्मा प्रोडक्शंस को और संजय लीला भंसाली को और YRF को कि भाई जिस आदमी को राजामौली अगर अपने RRR में लेते हैं, भले साइड रोल था अजय देवगन का लेकिन मेन रोल था लगभग, क्योंकि रामचरण के पापा वगैरह को, मतलब वो जो रोल था उन्होंने ही सिखाया रहता है रामचरण को सब कुछ। वैसे आप बोल सकते हो वो कैमियो था, लेकिन एक इफ़ेक्टिव कैमियो था, वो बड़ा कैमियो एक्सटेंडेड कैमियो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन एक कैमियो था, इफ़ेक्टिव था, ये वर्ड सही है, बड़ा कैमियो तो नहीं था। तो अगर वो लेते हैं भाई, वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो भाई तुम लोगों में कौन सा ईगो है? इस आदमी को अगर तुम बड़ा फिल्म, स्पेशली हिस्टोरिकल, और भाई सिर्फ हिस्टोरिकल क्यों, ये लव स्टोरी में तो दे दे प्यार दे, देखो यार अगर थोड़ा फ्लर्ट वर्क वर्ड करना भी होगा ना तो भी तो करता है ये। लव रंजन फिल्म्स अगर इसको काम देता है, बेहतरीन करता है, ओम राउत इससे हिस्टोरिकल मूवीज़ निकाल सकते हैं, तो भाई तुम लोग क्यों इसको अच्छे ऑफर्स नहीं देते हो? अगर डेफिनेट प्रॉब्लम ये है कि इसका झगड़ा नहीं है उन लोगों के साथ, स्क्रिप्ट ही अगर आप अच्छी नहीं दोगे, आपको पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्यों ऐसे जानबूझ के ऐसी स्क्रिप्ट देते हो? स्क्रिप्ट अगर अच्छी होगी ना यार, ये कभी यार ये नहीं बोलेगा, नहीं ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो भाई
आपके भी आजकल इतने मूवी चल नहीं रहे, धर्मा प्रोडक्शंस को तो यही कहूँगा, कितने दिन ये फेक कलेक्शन वाला ड्रामा करते रहोगे यार। वायर इफ का क्या है, 6 फिल्में डूबी, बाद में शाहरुख ने इनको थोड़ा सा बचाया, अब वो भी कितना बचाया पता नहीं। पठान का कलेक्शन आज भी क्वेश्चन मार्क है, तो वो भी लॉस में ही है। और संजय लीला बंसली अभी क्या कर रहा है पता नहीं, वो गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद इनका रणवीर दीपिका वाला एंगल तो बंद हो गया ना, रणवीर दीपिका के साथ वो काम नहीं कर रहे, तो उसको भी ज़रूरत है एक बड़े एक्टर की। सोचो यार, शेयर करो वीडियो को।